अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोहैस स्पीक्स। कल पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज़ के लिए स्क्वाड अनाउंस होने वाला 21 की डेट दी गई है, तो उस पर बात करते हैं आज के कौन से मुमकिन खिलाड़ी हो सकते हैं जो अवेलेबल स्लॉट हैं, उनमें से कौन से खिलाड़ी सिलेक्ट हो सकते हैं। 20-22 प्रोबेबल्स का नाम देखते हैं। अज़हर अली सबसे पहले ऑब्वियसली वो तो होंगे, अब वो पाकिस्तान टीम के कप्तान बना दिए गए हैं तो अज़हर अली होंगे, बाबर आजम होंगे, हारिस सुहेल भी होंगे। इसी तरह ओपनिंग में काफ़ी टफ़ कंपटीशन है, 4-5 लड़कों के नाम जेरे गौर है, आबिद अली, अशफाक अहमद, खुर्रम मंजूर, शान मसूद, इमाम उलाक। आबिद अली अमेजिंग परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जिस तरह उन्होंने ख़ुद को प्रूव किया जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने डेब्यू पे 100 किया, फिर अभी श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने 50 किए जब इमाम उलाक इंजरी की वजह से नहीं खेल सके। इसी तरह अशफाक अहमद, ये नाम बहुत से लोगों के लिए अननोन होगा लेकिन अशफाक अहमद की परफॉर्मेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। इस बार कायदे आज़म ट्रॉफी के फर्स्ट 4 मैचेस में वो टॉप स्कोरर हैं, उनके 483 रन हैं। इसी तरह लास्ट ईयर में उनकी बड़ी परफॉर्मेंसेस थी। खुर्रम मंजूर हैं, खुर्रम मंजूर पिछले 3-4 सीज़न से लगातार रन कर रहे हैं, ढेरों रन बना रहे हैं, लेकिन चंद लोग, क्योंकि बहुत से लोगों को ना एक पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स की बुनियाद पर वो सिलेक्शन करते रहे, इंजीबाई खसूसी तौर पर। इसी तरह शान मसूद हैं, शान मसूद की परफॉर्मेंस भी अच्छी है, हाँ बिलखसूस वो साउथ अफ्रीका में टॉप स्कोरर रहे। इसी तरह इमाम उल हक भी हैं, लेकिन इमाम उल हक मैं समझता हूँ कि वो जिस तरह के बाउंसी ट्रैक्स हैं ऑस्ट्रेलिया पे वो इतना नहीं सरवाइव कर सकते। इन 4 लोगों में टाई है, इनमें से 3 सेलेक्ट होंगे, जहरी सी बात है। इसी तरह अब मिडल ऑर्डर में आए तो हमारे पास जैसे ऊपर हारिस सुहेल का नाम लिया, बाबर आजम का नाम लिया, अज़हर अली को नंबर 3 पे खेलना चाहिए, 2 प्रॉपर आपके ओपनर खेलने चाहिए, 2 प्रॉपर ओपनर, ये जो फसली ओपनर हैं ये नहीं खेलने चाहिए। इसी तरह मिडल ऑर्डर में आसर शफीक होंगे आपके पास नंबर 4 पे, वो खेलते हैं, देखते हैं 4 पे खेलते हैं कि नहीं, लेकिन उनका नंबर 6 ज़्यादा मुनासिब है। पिछली बार उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में सेंचुरी भी की थी ब्रिस्बेन टेस्ट में, जिसमें पाकिस्तान को कुछ 438 रन का टारगेट चेस करना था। इसी तरह फवाद आलम, इनको टीम में लाजमी होना चाहिए। फवाद आलम क्या परफॉर्मेंसेज हैं इस लड़के की, ये डेब्यू पे सेंचुरी की, 10,000 से ज़्यादा डोमेस्टिक रन, 31 सेंचुरियाँ, लेकिन ये पाकिस्तान टीम में ना आ सके चंद लोगों की ज़ाती पसंद नापसंद की बुनियाद पर। इसी तरह अब विकेट कीपिंग में मोहम्मद रिजवान और अदनान अकमल का नाम चल रहा है। विकेट कीपिंग मैं समझता हूँ कि अदनान अकमल का जो पास बैकग्राउंड है टेस्ट क्रिकेट में वो बड़ा अच्छा है, उनको मौका मिलना चाहिए, और कायदे आज़म ट्रॉफी में उन्होंने अभी सेंचुरी भी की, पहले मैच में जो कायदे आज़म ट्रॉफी का इस साल पहला मैच था उसमें उन्होंने सेंचुरी भी की। इसी तरह स्पिनिंग में बड़े बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में यासिर शाह के अलावा हमें स्पिनर मिल ही नहीं रहा, मैं कितनी देर सोचता रहा लेकिन मुझे यासिर शाह के अलावा कोई प्रॉपर स्पिनर नज़र ही नहीं आया। शादाब खान इज़ नॉट अ प्रॉपर स्पिनर, इमाद वसीम इज़ नॉट अ प्रॉपर स्पिनर, हमारे जफर गौर पीछे तैयार हो रहा है, वो भी एक ऑलराउंडर है, वो एक ऐसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पिनर नहीं है जिस तरह यासिर शाह है। और ऑस्ट्रेलिया की विकेट्स पे एक स्पिनर एक किरदार अदा कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास यासिर शाह के सिवा कोई बैकअप ही नहीं है। हमारे पास इंडिया में आप देखें उन्होंने अश्विन के 3 बैकअप रखे हुए हैं, लेकिन हमारे पास कख नहीं है। इसी तरह अब फास्ट बॉलिंग में फ़िटनेस के बड़े इशू हैं, ऊपर से मोहम्मद आमिर और वहाब रियाज ने टेस्ट क्रिकेट से अलहदगी का ऐलान कर दिया है, उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी को डेंगी हुआ है, वो रिहैब कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि उनका रिहैब प्रोसेस कहां तक पहुंचा है। इसी तरह हसन अली अपनी बैग लेके बैठे हुए, और मुश्किल ये है कि वो ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे सिलेक्ट हों जी, जो उनकी फ़िटनेस की सिचुएशन जा रही है। इसी तरह आपके पास अब्बास हैं, अब्बास अच्छे बॉलर हैं लेकिन उनकी भी फ़िटनेस, उनके घुटने का प्रॉब्लम चल रहा है, तो ये इसी तरह आप राहत अली को रख सकते हैं, और मेरी नज़र जो है कि ताबिश खान को टीम में होना चाहिए। इस लड़के की 550 विकटें ले चुका है लेकिन ये पाकिस्तान क्रिकेट में नहीं आ रहा, वाई, क्योंकि यहाँ ज़ाती पसंद नापसंद की बुनियाद पर टीम है, इसलिए 500 विकटें ले चुका है एक लड़का, वो क्यों नहीं डिजर्व करता पाकिस्तान खेलना। इसी तरह राहत अली अच्छे बॉलर हैं, उनको भी टीम में लिया जा सकता है। और आगे मैंने 2 अंडर-19 के लड़के सेलेक्ट किए हैं, जो कि एक बैट्समैन और एक बॉलर,
नसीम शाह के लिए, नसीम शाह का नाम आपने सुना होगा, विकी भाई भी उनका नाम ले रहे थे कि बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है। लेकिन देखें, टैलेंट को आपको साथ कैरी करना पड़ेगा, उसके एक्सपोजर हो, वो ड्रेसिंग रूम शेयर करे। इसी तरह हैदर अली लड़का है, इसकी 353 रन है कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के 4 मैचेस में, 250 हैं, 100 अंडर-19 से आया अभी। इसको आप साथ कैरी करें ताकि लोगों को एक्सपोजर हो पाकिस्तान क्रिकेट का, पाकिस्तान के ड्रेसिंग। आप इनको एक्सपोजर देंगे ही भी ज़रूरत पड़ सकती है, नहीं तो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में यहाँ वो खेल रहे हैं, उनको खेलने दें। इसी तरह अब नसीम शाह और इन दोनों को मैं समझता हूँ कि साथ कैरी करना चाहिए। और लेकिन पाकिस्तान में कुछ लोग माजी में कहते रहे, बिल्कुल बिलखसूस इंजमाम उलहक साहब, के पाकिस्तान क्रिकेट में आप कोई अंडर-19 का प्लेयर नहीं खेल सकता, अंडर-19 से आगे आता है तो वो 2-3 साल डोमेस्टिक में खेले। मेरा उनसे सवाल ये है कि सर, आपने आपकी किस एज में डेब्यू हुआ था? मुश्ताक अहमद 14 साल, सचिन तेंदुलकर 16, वकार यूनिस 16 ऑलमोस्ट 17, इमरान खान द ग्रेट इमरान खान 16 17। सो व्हाई नॉट, क्या पाकिस्तान क्रिकेट में कोई टीनेजर नहीं खेल सकता? आपने ताबिश खान कहाँ से आया, आपने उसे 10 साल हो गए, उस बेचारे को टॉप विकेट टेकर रहा है हर साल, लेकिन आपने उसे नहीं दिया। तो फिर क्राइटेरिया वजह कर देंगे सब के लिए कि ये असूल होगा। और इसी तरह वेरी लास्ट पे मोहम्मद रिजवान का नाम चाह रहा है T20 की नायब कप्तानी के लिए। मैं समझता हूँ कि जिस बंदे की टीम में ही नहीं जगह बनती, उसे नायब कप्तान बना देना मेरी समझ से बाहर है। अगर आप नायब कप्तान किसी को बनाना ही है तो आपके पास 2-3 ऑप्शन हैं। आप हारिस सुहेल को ट्राई कर सकते हैं, आप इमाद वसीम को ट्राई कर सकते हैं, जो कि लोग जिनका कोई एक्सपीरियंस भी है। इमाद वसीम कराची को लीड कर चुके हैं, अभी खारिज सेल बिल मेरे लिहाज से बलूचिस्तान को लीड कर रहे हैं, तो इन लड़कों को मौका देना चाहिए। कल देखते हैं टीम आए क्या सेलेक्ट करते हैं, लेकिन इन जिन लोगों का हक बनता है उनको ज़रूर देना चाहिए। पाकिस्तान टीम किसी के घर की टीम या कोई यहाँ किसी की पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स चलें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब के लिए अल्लाह ने कहा।